बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से शादी करने वाली हैं। दोनों की शादी की रस्में उदयपुर राजस्थान के द लीला पैलेस में शुरू हो चुकी हैं, जहां एक तरफ लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली परिणीति ग्लैमरस और लग्जरी जिंदगी जीती है, वहीं राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास वाली आम जिंदगी जीते हैं। दोनों की उम्र में बस 25 दिनों का ही फर्क है। हालांकि कमाई, कार कलेक्शन और संपत्ति में दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जहां एक तरफ परिणीति 99 लाख की जैगुआर XJL गाड़ी में घूमती हैं, वहीं राघव की नेटवर्थ इसकी आधी है। शादी से ठीक पहले आइए एक नजर डालते हैं राघव और परिणीति की नेटवर्थ और करियर पर। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए की है। फिल्मों के अलावा परिणीति ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। वो अब तक कुरकुरे, माजा, पैंटीन शैम्पू के एड का हिस्सा रह चुकी हैं और वो हर फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। राघव चड्ढा के चुनावी एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 50 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी चल संपत्ति 37 लाख रुपए की है। परिणीति चोपड़ा के कार कलेक्शन में ऑडी A6, जैगुआर XJL, ऑडी Q5 शामिल हैं। जैगुआर उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी है, जिसकी कीमत 99 लाख तक बताई जाती है, जबकि ऑडी A6 की कीमत 61 लाख और ऑडी Q5 55 लाख रुपए तक आती है। वहीं राघव चड्ढा के पास 2009 के मॉडल वाली मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है। इसके अलावा राघव के पास 90 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। 2011 में एक साथ की थी राघव और परिणीति ने अपने करियर की शुरुआत। परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद भारत आकर यशराज स्टूडियोज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप पूरी होते ही परिणीति को यशराज प्रोडक्शन में ही पब्लिक रिलेशनशिप कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। उस समय प्रोडक्शन फिल्म बैंड बाजा बारात बना रहा था। शूटिंग के दौरान ही परिणीति को एहसास हो गया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। परिणीति ने 2011 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। वहीं राघव चड्ढा ने भी साल 2011 में ही करियर की शुरुआत की थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हुए साल 2011 में राघव अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा बने और इस मूवमेंट के दौरान ही राघव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही राघव चड्ढा ने लोकपाल बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, जो कि उनका पहला पॉलिटिकल टास्क बना। 24 सितंबर को द लीला पैलेस में होगी दोनों की शादी। राघव और परिणीति की शादी की रस्में उदयपुर के द लीला पैलेस में शुरू हो चुकी हैं। शादी में शामिल होने के लिए कई मेहमान उदयपुर पहुंच चुके हैं। इस शादी में 4 राज्यों के CM समेत कई सेलिब्रिटी शामिल होने वाले हैं। शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को तस्वीरें क्लिक करने की इजाजत नहीं होगी। फोन कैमरे को ब्लैक टेप की मदद से सील कर दिया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए 12 प्राइवेट फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स की टीम मुंबई से बुलाई गई है। इसके अलावा मेहंदी और मेकअप आर्टिस्ट भी मुंबई से ही हायर किए जाएंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।